अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फर्जी डॉक्टर फिजा खलीफा और मैं हूँ पाकिस्तान। फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। और मैं हूँ पाकिस्तान। क्या 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 बोला? पाकिस्तान 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 की माँ की पाकिस्तान की माँ का और मैं हूँ पाकिस्तान, इसलिए कोई भी मुझे पेल देता है। जैसे फिरंगियों ने इन पाकिस्तानियों को पेला, उसी वक्त इंडियंस इंडियन लोग इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे भी इतने खुश नहीं होते जितने पाकिस्तान की हार पे खुश है। और भाई आ गया सवाल। और सारे इंडियंस इस खुशी में इस कदर शामिल हो गए कि धड़ाधड़ मीम की बरसात हो गई। जो ये खुशी हो रही है हिंदुस्तानियों को, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि जैसे ही भारत इंग्लैंड से हारा था, तब पाकिस्तानियों ने भारत को नीचा दिखाने के लिए और भारत को ज्ञान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि इनका भूखा नंगा वजीर आजम शहबाज शरीफ, कटोरा शरीफ, जो पूरी दुनिया के आगे अपनी भीख का कटोरा रखता है, उसने भी भारत को चिढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अच्छा, उसने भी ट्वीट कर दिया एक भारत को चिढ़ाने के लिए कि भारत को एक बार 10 विकेट से पाकिस्तान ने भी हरा, इंग्लैंड ने भी 170 रन बना के हरा दिया। तो भैया, हम हिंदुस्तानी हम हमारी हार को स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं कि हम हारे हैं, लेकिन हमने अहंकार तो नहीं दिखाया था, हमने अकड़ तो नहीं दिखाई थी जो आपने दिखाई। पाकिस्तान की जीत पे अगर आप ट्वीट करते तो दुनिया को लगता कि हाँ भाई, कुछ डिप्लोमेसी कर रहे हो, अपनी अपनी टीम को बधाई दे रहे हैं। लेकिन भारत की हार पे ट्वीट, इतना टुच्चापन। अच्छा चलो, ट्वीट कर दिया तो कर दिया, अब क्या करोगे? ट्वीट अब क्या करोगे भाई? ऐसे मजाक मत क्या कर यार, अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक हो नहीं, ट्वीट तुम्हारा आएगा नहीं। बात करते हैं पाकिस्तानी आवाम की। पाकिस्तानी आवाम का भी कुछ इसी तरीके का हाल है, ना कुछ बोल पा रहे हैं ना कुछ सुन पा रहे हैं, बिल्कुल कोमा में चले गए हैं, होश आवाज खो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो गदर मचा रखा था दो दिन से, भारत को सिखाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, उन लोगों की आज टाइम टाइम फीस हो चुकी है। मजीद बात करते हैं किसी से, अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे सिर्फ मैच के हवाले से? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आप में से कोई बात करेंगे मैच के हवाले से? आप बात करेंगे? आप मैच के हवाले से बात करेंगे? मैं हूँ अन्ना, मुझे मैच नजर ही नहीं आता। कह तो यही मनहूस थे ना जो हमें लड़ा के गए थे, और हम अगर इकट्ठे होके इनके खिलाफ लड़ देना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि काश इंडिया जीतता और काश इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता, मजा ना आता। इंडिया की जो इन्होंने लिया ना, हमारा दिल खुश कर दिया। अच्छा। इधर से आवाजें निकलती हैं, ओह ब्रो, इतना इंग्लैंड खुश नहीं है जितना इंडिया खुश है। उसकी क्या वजह? क्योंकि वो हमें हारता हुआ देखना चाहते हैं। यो मेरा इंटरव्यू ना करो, मैं तब सुनता हूँ पाकिस्तान मैच हार गया। तो हार जीत इंडिया के साथ ऑफ कोर्स बेहतर होता, पब्लिक भी ज्यादा थी, हमें भी ज्यादा मजा आता। हार जाते तो फिर ज्यादा दुख होता? ऑफ कोर्स ज्यादा दुख होता। निकले यार, हम बहुत अपसेट है यार, हमें ज्यादा दे बहुत ज्यादा। बैटर्स उतना परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन हम बॉलर्स ने अपना। इंडिया के साथ अगर फाइनल होता ज्यादा मजा आता या अभी इंग्लैंड के साथ मजा आया? इंडिया के साथ होता, लेकिन दे डिडंट डिजर्व इट, क्योंकि वो 10 विकेटों से हारना कोई अच्छी बात नहीं है। 10 विकेटों से हारना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, जिम्बाब्वे से हारना भी अच्छी बात नहीं है, वो लक होता है। चले आए मजीद किसी से बात करते हैं इसी हवाले से। हार गए हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? फाइनल में तो आए हैं? नहीं, हम फाइनल में आए और हमने फाइनल में पूरा फाइट किया है, और हमारे बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हाँ, हम कोई 10-15 स्कोर शॉर्ट थे, जिसकी वजह से हम इतना प्रेशर बिल्ट अप नहीं कर सके, और कुछ शहनशाह अफरीदी की इंजरी ने भी हमें हरवाने में। क्या समझते हैं, इंडिया के साथ फाइनल होता ज्यादा मजा आता या इंग्लैंड के साथ फाइनल का ज्यादा मजा आया? इंडिया तो हमारे साथ खेलने में डिजर्व ही नहीं ना करती। क्यों, क्या वजह? फाइनल में आई नहीं। बिल्कुल, इस अगर इसकी बात की जाए इस T20 2022 की, उसमें नहीं आए फाइनल में, वैसे सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, तो मजा किसके साथ? अगर वो फाइनल में होते तो ज्यादा एग्रेशन होता हमारी आवाम में,
उनकी आवाम मजा ज्यादा आना था मिर्च मसाले वाला मैच होना बहुत शुक्रिया यार। नहीं देखो स्पोर्ट्स है तो हार जीत होती है, वो अफरीदी के साथ मिसहैप हो गया है, नहीं तो उसके दो ओवर थे, वो दो ओवर अच्छे भले गुजर जाते और मैच फंसा हुआ था। वेल फाइट यार, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट किया, बॉलिंग फिगर बहुत लेवल था यार, बैटिंग अगर तकरीबन 15-20 रन ज्यादा होते तो मे बी दैट वुड बी मोर गुड। चले आप बात करेंगे मैच के हवाले से, चले ठीक है आप बात करेंगे। यार मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो मैं पैदा इंग्लैंड में हूँ, इंग्लैंड मेरे खूनों में है। अच्छा। मैं सपोर्ट किसे कर रहे थे फिर खूनों में इंग्लैंड को शुरू से? भाई जी हारने के बाद तो नहीं ये कह रहे? नहीं मैं पैदा ही उधर हूँ। आप इनके साथ? नहीं आपके साथ कौन है? मेरे साथ आजे भाई, हम इंग्लैंड में, ये कह रहे मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। आप किसे सपोर्ट कर? मैं भी इंग्लैंड को गा रहा था। गा रहे थे फिर तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो खुशी हो रही है। देखें जी ये स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स में आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो इंग्लैंड को या किसी। क्या वजह है पाकिस्तान के में रह के आपने जब मैच देखा क्या फील हो रहा है, और इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का मैच होता ज्यादा मजा आता? देखें हारो या जीतो एक ही बात है, गेम है तो गेम है ना, इसलिए मैं फिर भी इंग्लैंड को करूंगा। चले बहुत शुक्रिया, आए मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? रमजान। रमजान भाई फाइनल में हम तो पहुंच गए थे लेकिन अब हार गए हैं, कैसा फील यार? ज्यादातर लोग बात ही नहीं, ज्यादा लोग तो दुखी तो फील हो रहा है लेकिन वी फोट वेल मैन, वी फोट वेल, कार इंडिया की तरह थोड़ी आ रही है। 170 नो डाउट, लेकिन वो जिम्बाब्वे वाला मैच भी हमें याद होगा यार, हिस्ट्री वाला सीन चल रहा था, मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था कुछ हो जाएगा लेकिन चलें कोई नहीं। इंडिया के साथ अगर फाइनल होता ज्यादा मजा आता या फिर इंग्लैंड? इंडिया के साथ होता तो ज्यादा मजा आता और इंशाल्लाह हमने वो जीत भी लेना था। इंडिया के साथ होता तो जीतना क्यों था? प्रेशर ज्यादा होता है इंडिया के साथ? यार इंडिया के साथ शुरू से ही मजा आता खेलने का, जरा उनके साथ वैसे ही प्यार भी है और मजा भी आता है। अब इंडिया वाले भी कुछ थोड़ा बहुत शायद जारी बात है हार गए, हम तो थोड़ा बहुत खुश भी होंगे, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुश होंगे या फिर ये थोड़ी बहुत मीम्स वगैरह बनाएंगे क्योंकि गेम में हार जीत होती रहती है? वो पड़ोसियों को यही कहना चाहेंगे फिक्र ना करे, हम भी आपके साथ ही दुखी है। बिल्कुल जी फिक्र ना करे, आपके साथ ही है, और गेम के अंदर मजाक उड़ाने वाली बात कोई नहीं होती है, हार जीत होती रहती है। क्या कहना चाहेंगे आप मैच के बाद? देखें बहुत से लोग बात ही नहीं कर रहे। सर मौसम सुहाना है लेकिन दिल ये दिल टूट गया, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, रोने तो नहीं लगे? बस जज्बात बदल गए, अंदाज बदल गए, क्या बताएं आपको, क्या क्या बदल गया है। इंग्लैंड वन, गॉड सेव द किंग, इंग्लैंड को सपोर्ट जी हमेशा। वजह है? क्या वजह है? क्या मतलब क्या कहता है? मतलब आप ब्रिटिश? इधर पहले भी मुझे मिले हैं, वो भी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, आप भी इंग्लैंड? सॉरी बट आई वाज सपोर्टिंग इंग्लैंड फ्रॉम द स्टार्ट। पाकिस्तान से भी होती तो इंग्लैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, स्पोर्ट्स है इसके अंदर तो आप किसी को भी परफेक्टली। इंग्लैंड वॉन्ट डिडंट इट। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें, अगर इंडिया के साथ फाइनल होता पाकिस्तान का तो फिर ज्यादा मजा आता? नो इंडियन, आई एम स्टिल अ मुस्लिम। मैं भी मुस्लिम हूँ, पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन है आप उसका आंसर कर दें, फिर मजा आता ज्यादा या फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? मैं ज्यादातर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, नहीं क्योंकि आप स्पोर्ट वैसे किसे कर रहे हैं? किसी को भी नहीं, पाकिस्तान को। इंग्लैंड है पाकिस्तान, ये इंग्लैंड को सपोर्ट कर रही थी, ये पाकिस्तान को सपोर्ट। तो मैं यही बोलना चाहूँगा पाकिस्तानियों, जो तुमने गंद मचाया था मेरे YouTube पे आके, और मैं दो दिन तक इसलिए नहीं आया कि मैं सिर्फ आज के दिन का इंतजार कर रहा था कि तुम्हारे अहंकार पे आके मैं चोट करूँ। बहुत गालियाँ देने का शौक है ना तुमको, मुझे बहुत गालियाँ देने का शौक है ना, अब दो कमेंट में आके गालियाँ, अब हिंदुस्तानी तुम्हें ऐसा पेल देंगे कि अब तुम गाली देने के लायक भी नहीं रहोगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक में रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।